नमस्कार दोस्तों दोस्तों एनिमल मूवी तो दिन में ही तारे दिखा रही है। बॉस, पठान और गदर 2 तो दोनों के रिकॉर्ड टूट गए, समझ लीजिए इनके रिकॉर्ड गए। अब बाकी है जवान की बारी, और ऐसा लग रहा है कि ये मूवी जवान का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी नेट कलेक्शन के मामले में, और बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी बनने का रिकॉर्ड बना देगी। क्योंकि जो दोस्तों इसकी संडे की एडवांस बुकिंग निकल करके सामने आई है वो आपके होश उड़ा देगी। तो हम जान लेंगे कि ये मूवी आज संडे के दिन कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, और इस मूवी ने शनिवार वाले दिन कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। वहीं अगर हम की कौशल की मूवी सैम बहादुर के बारे में बात करें, तो वाकई में इस मूवी ने जो कल शनिवार वाले दिन कलेक्शन किया है उस कलेक्शन ने होश उड़ा दिए हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ये मूवी आराम से हिट हो जाएगी, और देखा जाए दोस्तों ये मूवी हिट भी हो गई है। और अब इसके पास पूरा एक हफ्ता पड़ा है और एक वीकेंड भी बाकी है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी आने वाले समय में हो सकता है कि सुपर हिट भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों बगैर किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं रणवीर कपूर की मूवी एनिमल्स के बारे में। देखा जाए दोस्तों एनिमल मूवी ने कल के दिन 37 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, और इसका टोटल नेट कलेक्शन हो गया है 399 करोड़ रुपए। जी हाँ, और वहीं अगर हम इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में इस मूवी ने 600 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी तबाही है दोस्तों। वहीं अगर हम इस मूवी के सेकंड संडे यानी कि आज के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करें, तो देखा जाए दोस्तों आज इस मूवी ने 13 करोड़ 4 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। तो सोचिए दोस्तों कल जब इस मूवी ने 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग करी थी तो 37 करोड़ रुपए कमाए थे, तो आज तो इस मूवी ने 13 करोड़ के ऊपर की एडवांस बुकिंग करी है। तो सोचिए ये मूवी कितना कमा सकती है। मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये मूवी 43 करोड़ का तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए दिख ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यकीन मानिए ये इतना कर लेती है तो इसका टोटल नेट कलेक्शन हो जाएगा 442 करोड़ रुपए, जो कि वाकई में अपने आप में तबाही है। और वहीं अगर हम जवान की बात करें तो जवान का नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड है 585 करोड़ रुपए। ऐसे में देखा जाए दोस्तों इस मूवी के पास अभी पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, और अभी अगला वीकेंड भी बाकी है, और ऐसा माना जा रहा है कि मंडे के दिन भी ये मूवी आराम से 15 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। और यकीन मानिए अगर ये मूवी मंडे टेस्ट में पास हो गई ना, तो ये इंडस्ट्री सबसे बड़ी हिट मूवी मानी जाएगी और जवान के रिकॉर्ड को नेस्तानाबूद कर देगी। और देखा जाए दोस्तों इस समय तो एनिमल का जादू सर चढ़ के लोगों के बोल ही रहा है। वहीं दोस्तों अब हम बात कर लें विक्की कौशल की मूवी सैम बहादुर के बारे में। देखा जाए दोस्तों इस मूवी ने शनिवार वाले दिन कलेक्शन के मामले में जादुई आंकड़ा दिखाया है। दोस्तों इस मूवी ने देखा 6 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया है। सोचिए दोस्तों इस मूवी के पास 100 भी नहीं जाता है, और इस मूवी के सामने एनिमल जैसी मूवी लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए दोस्तों इस मूवी ने तो सोचिए दोस्तों इसमें कहानी कितनी जबरदस्त होगी, और खासकर विक्की कौशल की एक्टिंग कितनी जबरदस्त होगी। मैं आपसे बार बार यही कह रहा था, यकीन मानिए ये जो मूवी है विक्की कौशल के कैरियर की इसमें सबसे बेस्ट एक्टिंग है, और इसका कलेक्शन भी इसी ओर इशारा भी कर रहा है। और सोचिए दोस्तों इस मूवी के सामने कोई छोटी मोटी मूवी रिलीज होती तो मेरा मानना है कि ये मूवी अब तक आराम से 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाती। लेकिन दोस्तों कोई भी बात नहीं, फिलहाल विक्की कौशल की ये जो मूवी है हिट हो चुकी है, क्योंकि अगर हम इसके नेट कलेक्शन के बारे में बात करें तो इसका नेट कलेक्शन 49 करोड़ के ऊपर हो गया है। वहीं अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में आपसे बात करें तो इस मूवी ने देखा जाए 58 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। वहीं आज हम इसके सेकंड संडे वाले दिन बात करें तो सेकंड संडे वाले दिन तो जाहिर सी बात है ये मूवी 8 करोड़ का तो कलेक्शन कर ही सकती है, और ये मूवी इतना कर लेती है तो इसका टोटल नेट कलेक्शन हो जाएगा 57 करोड़ रुपए, और इस मूवी का बजट है 50 करोड़ रुपए, यानी कि नेट कलेक्शन
के मामले में ही देखा जाए इस मूवी ने अपने बजट को क्रॉस कर दिया है और इस मूवी के पास अभी भी पूरा एक हफ्ता और पड़ा है। और वहीं अगर हम इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में आपसे बात करें तो इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 68 करोड़ रुपए, जो कि वाकई में बहुत ही लाजवाब कलेक्शन है, क्योंकि इस मूवी का हिट होना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि दोस्तों कहानी में दम थी, एक्टिंग में दम थी, तो जाहिर सी बात है इस मूवी का हिट होना भी बहुत जरूरी था। ऐसे में देखा जाए विक्की कौशल की भी ये मूवी हो चुकी है हिट और एनिमल तो रच रही है नए नए इतिहास। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और इन दोनों मूवी के बारे में अगर कोई आपके पास राय हो कलेक्शन को लेकर के उनके लाइफ टाइम तो कमेंट में हमें बताना मत भूलिएगा, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।